हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओमेगा लैब के बारे में। और वो रिटर का है, E36 मॉडल का। और ओमेगा लैब के बारे में वीडियो बनाने के लिए मेरे पास पर्सनली बहुत फ़ोन आया था, तो इसलिए मैं आज टाइम निकाल के बना रहा हूँ। और आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और कहीं स्किप करोगे तो आपको मालूम नहीं रहेगा क्या हुआ नहीं हुआ। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपना आपको बताता हूँ। पहले अपन जब कुंभर चलाते थे और लैब फरबर चलाते थे, पहले ज़माने में क्या होता था, एक स्लाइबल लैब मशीन आता था, एक रिबल लैब मशीन आता था। स्लाइबल लैब से अपन लैब बनाते थे, फिर वो लैब लेके फिर रिबल लैब पे लगाते थे, उसमें फिर फाइनल लैब बनता था, फिर वो लैब जाता था कुंभर में। अभी आजकल बहुत ईजी हो गया। अभी रिटर्न निकाला E36 करके ओमेगा लैब जो बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, स्लाइबल लैब रिबल लैब जो है दोनों चीज वो मतलब मिटा दिया। मतलब एक ही ओमेगा लैब से आप डायरेक्ट फीडिंग करोगे कुंभर को, इसमें क्या हुआ, दो प्रोसेस हटा के एक ही ओमेगा लैब कर दिया। और उसके साथ स्पेशल फीचर्स क्या दिया, देखो, मैक्सिमम प्रोडक्शन पर आवर 600 kg पर आवर, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मशीन का जो प्रोडक्शन है पर आवर बहुत ज़्यादा है, 600 kg है। और उस हिसाब से चलाएंगे अपना, कोई क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 600 किलो तक भी चलाओगी तो। फिर देखो, स्पेशल बेल्ट टू कंप्रेस एवरी लेयर ऑफ लैप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या रहता है, एक फ्लैट टाइप का बेल्ट रहता है, जैसे अपना लैप ऊंड होता रहता है डिस्क के अंदर, तो उसे बेल्ट क्या करता है, इसको प्रेस करता है, हर लेयर प्रेस करता है, दबा दबा के इसको वाइंड अप करता है। और दबा दबा के वाइंड करता है तो फाइबर कोई मतलब इधर उधर प्ले नहीं होता, पैरेलल में रहता है। और कंप्रेस होने के कारण उसका अपन ज़्यादा लेंथ तक भी अपन सकते हैं, और वो इजीली खुलता भी है कुंभर में, एक फैसिलिटी है। तो ये स्पेशल बेल्ट का इफेक्ट है, बहुत बढ़िया काम करता है। उसका पर देखो, हायर ग्राम्स पर मीटर अप टू 80 ग्राम्स पर मीटर, और इसमें क्या 80 ग्राम पर मीटर तक ले सकते हो। अपने पुराना जमाने का जो स्लाइबल लैब रिबल लैब था, 60 ग्राम 65 ग्राम बहुत ज़्यादा होता था, उसे ज़्यादा नहीं जाता था। इसमें 80 ग्राम तक आप ले सकते हो, जितना ग्राम ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगा, उसका इतना मतलब बिजली का खर्चा भी बचत होगा। वेल पैरेलाइजेशन ऑफ फाइबर इन लैप एक्सिस, वही बताया था, जो स्पेशल इफेक्ट है बेल्ट का, वो हर लेयर दबाता है, वो फाइबर को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, रैंडमली फैलता नहीं, पूरा ऐसे जैसे लैप है, लैप की सीधी सीधी फाइबर रहता है। और इसमें अपना कुंभिक सेक्शन के लिए फायदा होता है, कैन यूज सेमी ऑटोमेटिक ट्रलीज एंड ऑल्सो फुली ऑटोमेटिक विथ सर्वो लैब सिस्टम, ये बहुत बढ़िया चीज़। देखो, इसमें दो तरह का सिस्टम है, आप अगर ट्रली लगाते हो, मतलब डंपिंग के बाद लैप आएगा, लैप गिरेगा, फिर एक गिरने के बाद फिर सेंसर काम करेगा, थोड़ा आगे चला जाएगा ट्रली, फिर एक गिरेगा, फिर आगे चला जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। लेकिन ऑटोमेटिक वाला क्या होता है, आपके ट्रली जो भर जाएगा, जैसे वो सर्वो लैब सिस्टम होता है, और मतलब वो लैप उठा के के कुंभर के पास लेके रखा देगा। जैसे आप फीडिंग करोगे, कौन सा कुंभर में कौन सा मतलब लैब जाएगा वो बता देगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, इफेक्टिव फोटो सेल टू स्टॉप इमीडिएट ड्यूरिंग स्लाइबर ब्रेकेज, स्लाइबर ब्रेकेज होता है तो इसका फोटो सेल इतना सेंसिटिव है, तुरंत एक्शन में आ जाता है और इसको बंद कर देता है, आप सिंगल स्लाइबर जाने का नाम ही नहीं लेता उसमें। उसके बाद देखो, एफिशिएंसी लेवल कैन अचीव्ड अप टू 75%, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अपने पहले ज़माने में जो स्लाइबल लैब रिबल लैब था, बड़ी मुश्किल से 60-62% एफिशिएंसी आता था, लेकिन इसमें एफिशिएंसी इतना बढ़िया आता है, 75% मैक्सिमम लेवल पकड़ा गया। आप बढ़िया से कारीगर लगाओ, कि 70-72 से तो कम आएगा नहीं, 75 तक भी आ सकता है। हायर लैब लेंथ अप टू 340 मीटर्स, अगर 70 ग्राम का ग्राम पर
किलोमीटर चलाते हो तो 340 तक भी ले सकते हो, 80 ग्राम तक ले लोगे 320 मीटर से लैब लेंथ कम ही नहीं आएगा। और लैब लेंथ इतना बढ़िया रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसके कारण आप कमर में एफिशिएंसी बढ़ता है, बार बार लैब चेंज नहीं करना पड़ता है। और पुराना वाला जो अपना लैब परमिटता है 240 मीटर बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा तो आता नहीं था। और वो हायर लैप लेंथ अप टू 340 मीटर हो गया, और मैक्सिमम यूज अप एंड अप टू 24 डबलिंग 24 डिब्बा तक आप लगा सकते हो। और इसका जो स्पीड है, अपना स्पीड जो मानते हैं मतलब ओमेगा लैप का, ये 230 एमपीएम तक दे दिया है, 230 एमपीएम मैक्सिमम स्पीड है, आप 180-200 तक तो आराम से चला सकते हो। और हीटर मशीन का एक खासियत है, जो स्पीड लिखता है वो करके देता है, मतलब वो कोई मतलब कम ज़्यादा की कोई सवाल ही नहीं आता, जो स्पीड उसने ट्रायल लेके दे दिया वहाँ तक भी चला सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अपना जो ग्राम्स पर मीटर सिंपली एडजस्टेड बाई गियर्स और पुलिस, इसका ओमेगा लैब का जो ग्राम पर मीटर है अपन कितना रखना है उसमें गियर बैक सिस्टम में गियर से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और आजकल का जो ओमेगा लैब आया है वो बेल्ट और पुली सिस्टम दे दिया, उसमें भी आप कर सकते हो। अगर कभी कभी ऐसा भी करते हैं, समझ लो कोई नाइट ड्यूटी करता है, फिटर है नहीं तो ग्राम पर मीटर एडजस्ट करना है, तो कभी कभी स्लाइबर एक आध कम ज़्यादा करके भी आप कर सकते हो। उसी हिसाब से आप देख लेना कितना ग्राम में कितना स्लाइबर घटाओगे तो घट जाएगा, उसी हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद देखो, फीड कैंस फ्रॉम ब्रेकर ड्रॉप एम्स विथ रैंडमाइजर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपके पास तीन ब्रेकर ड्रॉप एम है डबल डिलीवरी का, और उसमें क्या करोगे, तीनों का मतलब लेफ्ट राइट का ऐसे करके ड्राइंग नंबर लेफ्ट राइट करके डिलीवरी में डिब्बा में नंबरिंग करना, और जो नंबर लगेगा, समझ लो आप 26 डिब्बा लगा रहे हो, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, 26 डिब्बा लगा रहे हो, तो 12 डिब्बा लेफ्ट हैंड साइड का और 12 डिब्बा राइट हैंड साइड का, ये पूरा मिक्स करके लगाने का, मतलब मिक्स करके लगाने का, और उसमें बढ़िया रिजल्ट आएगा, मतलब लैब का जो थिकनेस है मोटा पतला नहीं रहेगा, पूरा बढ़िया मर्ज होके होमोजेनियस तरह से आएगा। और इसको रैंडमाइजेशन जरूर रखना, और कोशिश करना ओमेगा लैब आपको मालूम है बड़ा मतलब हाई स्पीड हाई प्रोडक्शन वाला मशीन है, उसमें जो ब्रेकर का डिब्बा अपन यूज़ करते ज़्यादातर बड़ा डिब्बा यूज करते, मतलब इसका 40 इंच वाला जो डाया होता है वैसे डिब्बा यूज करते ताकि एफिशिएंसी अच्छा है और जल्दी जल्दी डिब्बा खत्म ना हो। उसके बाद देखो प्रोडक्शन कैलकुलेशन उसका बड़ा सिंपल है, एमपीएम मतलब मीटर पर मिनट जो स्पीड रहता है इनटू ग्राम पर मीटर, मतलब लैब का ग्राम पर मीटर कितना है, 60 हो गया एक घंटा 60 मिनट, 8 हो गया एक घंटा शिफ्ट, एफिशिएंसी हो गया, और इसमें डिवाइड बाय 1000। तो एग्जांपल आपको बताता हूँ, स्पीड 180 एमपीएम है, ग्राम पर मीटर 75 लिया हुआ, और एफिशिएंसी अपन 72 लिया हुआ, नहीं एफिशिएंसी आप 75 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन 75 में एफिशिएंसी 75 है, तो उसी हिसाब से कितना वहाँ देखो 180 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 0.75 और डिवाइड बाय 1000, मतलब 4860 केजी का आपकी प्रोडक्शन आ गया, मतलब 8 घंटे का, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन माना जाता है। और यू कैन फीड अप टू 6 कोम्बर्स पर ओमेगा लैब, ओमेगा लैब का मतलब अगर मतलब ओमेगा लैब लिया उसी हिसाब से आप E86 कोम्बर ले लेना, E90 कोम्बर ले लेना, उसमें आप E86 लोगे तो 6 कोम्बर आराम से फीड कर लोगे, और E90 लोगे और उससे अच्छा वाला मॉडल लोगे तो 5 कोम्बर तो आराम से फीड कर लोगे। तो यो फीडिंग करने के मामला में देखो इतना बढ़िया हाई प्रोडक्शन है, कोम्बर भी हाई प्रोडक्शन लोगे तब जाके उसका मैचिंग बैठेगा, वो इसमें मतलब पावर कंजप्शन भी कम रहता है ओमेगा लैब में।
नेक्स्ट देखिए, इसमें अपना जो ड्रॉप बॉक्स का ओमेगा लैब का ड्रॉप बॉक्स का जो गेज है, बटन रोल गेज है, फाइबर लेंथ के हिसाब से एक प्रकार मैंने बता दिया। देखो जैसे 25 mm फाइबर है तो आगे का गेज 40 और पीछे का 42 रहेगा। जैसे अपना RSV वगैरह जैसे गेज करते हैं ना, ऐसे ही गेज है। तो ये देखो 25 mm में 40-42 रहेगा, आगे का 40 mm पीछे का 42, 28 से 29 mm में 42 से 46 mm रहेगा, 42-46 का रहेगा, और 30 से 31 mm तक ये रहेगा 43-47 mm का। उसके बाद देखो 32 से 34 mm तक 44 और 48 रहेगा, इसमें हो गया 30-31 से 43-47, 32 से 34 हो गया 44 और 48, 44-48, 36 से 38 तक 47-50, 50 है उसका मैक्सिमम है, और मिनिमम है 42 mm पीछे का, आगे का 40 है मिनिमम और 47 है मैक्सिमम। उसी गेज में अपना ये हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो ह्यूमन एरर होता है, जैसे ओमेगा लैब चालू करते हैं ना, जो कारीगर रहते हैं इनको बोलिएगा हर 3-4 घंटे में एक बार उसका जो ड्रॉ बॉक्स का रोलर है उसमें वैक्स बहुत जमा हो जाता है। वैक्स जमा होने के कारण वो लैपिंग मारता है, तो इसको पानी से या CTC या पेट्रोल से बढ़िया से साफ करें, फिर थोड़ा सुखाए, फिर लगा के चालू करें। 3-4 घंटा में सफाई नहीं करोगी वो रोल पूरा काला काला हो जाएगा, फिर लैपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। जितना सफाई रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। और जो क्रील का जो स्लाइबर गाइड है वहाँ पर भी वैक्स जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाता है, इसको बीच बीच में पेट्रोल कपड़ा में डुबा के बढ़िया से सफाई करना, तो स्मूथ मूवमेंट होगा। और जो डिब्बा लगाते हैं, जैसे अपन 24 डिब्बा लगाए या 20-22 डिब्बा लगाए, बिल्कुल सीक्वेंस में लाइन में लगाना, सीक्वेंस में लाइन में लगाना, किसी में दूर रख दिया, किसी में पास रख दिया, ऐसे नहीं करना। उसमें क्या होता है, स्ट्रेच पड़ेगा, अगर ज़्यादा दूर में रख दिया स्ट्रेच पड़ेगा तो अनइवन मटेरियल फिटिंग होगा, कभी हल्का चला जाए कभी भारी चला जाएगा। तो पूरा सिस्टमेटिक पूरा लाइन से रखने का, डिब्बा आगे पीछे करके नहीं रखना। और ग्राम पर मीटर चेक करने के लिए एक ही तरीका है, SQC वाला को बोल के रखिएगा, कम से कम डेली नहीं हो तो 2-3 दिन में एक बार ग्राम पर मीटर चेक कर ले, क्योंकि ग्राम पर मीटर अगर चेक नहीं करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, हो सकता है कभी ज़्यादा भारी लैप आ गया फिर नेप्स लेवल बढ़ जाएगा, तो दोनों की अपनी दोनों ही ख़राब है, हल्का है प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ज़्यादा भारी है क्वालिटी खराब हो जाए। तो इसीलिए ग्राम पर मीटर जरूर चेक करना है। और इसका प्रोडक्शन का भी बता दिया, बटन रोल गेज का बता दिया, मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।